हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 के विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद कराने जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, फसलों के सफल उत्पादन के लिए भूमि में नमी की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए तथा पौधों की समुचित वृद्धि के लिए फसलों को कृत्रिम रूप से जल पहुंचाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अर्थात उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाती है। जल संरक्षित करने वाली विधियों की बात करें तो पहली है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर कम जल की मात्रा में उपलब्ध होता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो जल घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अगला है ड्रिप तंत्र। दोस्तों, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर गिरता है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल का बिल्कुल अपव्यय नहीं होता, अतः यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है।